आपको पता है इतने सारे इंडियन लौंडे सिंगल क्यों हैं? क्योंकि उन लोगों की ना गर्लफ्रेंड पटाने की जो अप्रोच है ना वही गलत है, और उनकी अप्रोच गलत होने में सबसे बड़ा वरदान जो है वो पता है बॉलीवुड का है। होता क्या है ना, पहले आप किसी लड़की से मिलते हो या उसको दूर से देख लेते हो, और पहले आप उसके प्यार में पूरी तरह से चूतिया हो जाते हो। उसके बाद जब आपकी गांड उस लड़की से फटने लगती है, जब आप उसके सामने प्यार की वजह से नर्वस हो जाते हो, तब आप उससे बात करनी शुरू करते हो, और उसके बाद उसी नर्वसनेस में आप गलत गलत स्टेप्स उठाते हो अपने डेस्परेशन में, और लड़की आपसे नहीं पटती है। बहुत सालों बाद या बहुत महीने बाद फाइनली आपको एक लड़की मिल जाती है जिससे आप टॉकिंग टर्म्स में आ जाते हो, या आपको पता चल जाता है ये लड़की अभी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, इस पे मैं अपना हक जरूर जमा लूंगा। और ये अप्रोच गलत नहीं है, ये अप्रोच काम करती थी साल 2010 के पहले, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया ने आके हक दिया है, जिस वजह से अब डेटिंग का जो सिनेरियो है ना वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप पहले लड़की से प्यार नहीं करते हो, अब आप पहले लड़की से बात करते हो, हाँ आप दूर से पसंद कर लेते हो, हाँ भाई ये लड़की अच्छी दिखती है चलो जाके चेक करते हैं ये सिंगल है कि नहीं, तो आप उस लड़की से बात स्टार्ट करते हो बस ये चेक करने के लिए कि वो आप में इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है। ऐसे आप बहुत सारी लड़कियों से बात करते हो, फिर 10 में से एक या दो लड़की दिखाती है कि वो शायद आपके अंदर इंटरेस्टेड है, और फिर उनमें से एक फाइनली आपकी गर्लफ्रेंड बनती है। ये है आज का डेटिंग सिनेरियो। आजकल आप एक ही लड़की या एक ही लड़के पे बहुत ज्यादा सालों महीनों बर्बाद नहीं करते हैं, आप उनको कम से कम टाइम देते हैं, आप देखते हैं कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या वो आपके अंदर एफर्ट्स ले रहे हैं, और फिर उस हिसाब से आप उस इंसान को ज्यादा टाइम देते हो ताकि आप उससे बाद में प्यार करो, लेकिन पहले आप चेक कर लो कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं। और आप इसीलिए इतने ज्यादा सिंगल हो क्योंकि आपको नई लड़कियों से बात शुरू ही नहीं करनी आती है, आपको नई लड़कियों के साथ डेट इसीलिए नहीं मिलती है, ना ही आप किसी से बात कर पाते हो क्योंकि आप नई लड़कियों को अप्रोच नहीं करते हो, आप इंतजार करते हो कि भाई एक लड़की कहीं तो मिल जाएगी, उससे मेरी बात स्टार्ट हो जाएगी, उससे मैं प्यार करूंगा और फिर हम दोनों होंगे और हमारे बच्चे होंगे। बट आज की डेट में मेरे दोस्त पहले आपको किसी भी लड़की से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आप जितनी लड़कियों से बात करेंगे आप उनमें से कुछ लड़कियों को फाइनली अपने साथ बाहर ले जा पाएंगे, और बाहर ले जाने के बाद आप उन लड़कियों को देखो भाई लड़कियों को भी चाहिए होता है कि लड़के उन्हें अप्रोच करें। 10 में से 4 लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनको अगर आप अप्रोच करोगे तो वो एक्चुअली आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगी, वो चाहती है कि उनकी लाइफ में भी नए लौंडे आए, बट आप उन लड़कियों तक तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आपकी गांड में दम नहीं होगी उन्हें अप्रोच करने की। तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपका घर से बाहर निकल के मैदान में जाके नई लड़कियों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नई लड़कियों को पता ही नहीं है कि ये जो नायाब हीरा मेरा वीडियो देख रहा है ये कहां छुपा बैठा है। उन लड़कियों को पता ही नहीं है कि ये जो लड़का है ये दिल का भी साफ है, शक्ल से भी सुंदर है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्या ये घर के अंदर पड़ा रहता है और नई लड़कियों से बात तक नहीं करता। तो इसीलिए आप बाहर जाओ, आप ट्राई करो। तो कितनी सारी जगह हो गई, जिम हो गए, क्लब्स हो गए, इवेंट्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कॉलेज के फेस्ट हो गए, स्कूल के एनुअल फंक्शंस हो गए, भाई इन सब चीजों का भरपूर फायदा उठाओ और उन चूतिए दोस्तों से अपने आप का पीछा छुड़ाओ जो आपको डीमोटिवेट करते हैं या जिनके डर से आप नई लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो। और उन 3-4 लड़कियों के पास पहुंचने के लिए जो आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगी आपको 6 ऐसी लड़कियों से गुजरना ही पड़ेगा जो आपको ना बोलेंगी, और ऐसी लड़कियां हैं जो अननोन स्ट्रेंजर लड़कों को चांस देना चाहेंगी क्योंकि उनकी लाइफ में वो अच्छे लड़कों को नहीं जानती हैं। मुझे पता नहीं ये चीज आप क्यों नहीं समझ पाते हो। और भाई देखो नई लड़की से बात करने के लिए अगर अभी आप मुझे भी भेज दोगे ना तो मुझे नहीं पता होगा उससे क्या बात करनी है, जब तक मैं आसपास की चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व ना कर लूं, मैं देख ना लूं कि हां मैं क्या सोच के बात स्टार्ट करूंगा, मेरे दिमाग में ऐसे कोई डायलॉग्स पहले से फिक्स नहीं रहते हैं कि मैं क्या बोलूंगा कि लड़की मेरे से बात स्टार्ट कर लेगी। हां मुझे इस चीज का आइडिया है, लेकिन उससे ज्यादा प्रैक्टिस मुझे इस चीज की है कि कैसे मैं आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके बात स्टार्ट कर लूंगा किसी बहाने से। नहीं तो अगर मैं किसी लड़की के बॉडी लैंग्वेज में नोटिस करूंगा कि वो बहुत ओपन है तो मैं सिंपली उससे सीधा जाके हाई भी बोल सकता हूं, बट अगर मैं श्योर नहीं हूं तो किसी बहाने करूंगा, और ना ही मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसी कौन सी डायलॉग है जो आप जाके चिपका दो लड़की आपसे पट जाएगी। हाँ ऐसे डायलॉग्स हैं वो कई बार काम भी कर जाते हैं, बट मुझे क्या पता कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट होगा, बट मुझे क्या पता कि लड़की की बॉडी लैंग्वेज से
उससे किस तरह से बात स्टार्ट करनी चाहिए, आप लोग कब खड़े हो, कहाँ खड़े हो, इस चीज की समझ आपको टाइम और एक्सपीरियंस के बाद ही आएगी। और भाई लड़की छोड़ दो, आपको तब भी डर लगेगा अगर आप किसी नए लड़के से पहली बार बात कर रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी को पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो कैसा है, कौन है। इसीलिए हमारी बॉडी अपने आप, हमारा ब्रेन ना स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी गांड फटने लगती है। और ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और ये हर बार होगा, क्योंकि वो जो डर के हार्मोन्स है ना, वो हमारा ब्रेन इसीलिए सिक्रीट करता है ताकि अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आए तो हम लड़ने के लिए तैयार हो पाए। तो वो जो गांड फट रही है ना, वो डर की वजह से नहीं फट रही है, वो लड़ाई करने के लिए रेडी करा रही है हमारी बॉडी। और भाई मैं सही बता रहा हूं, अगर आप नए लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते हो ना, या नए लोगों से बात नहीं कर पाते हो ना, तो इसका साफ मतलब ये है कि आपको दुनिया से डर लगता है। और आपके दिल और दिमाग से वो डर तब ही निकलेगा जब आप एक्चुअली बाहर जाके खेलोगे, जब आप अपनी बॉडी को समझाओगे कि नए इंसान से बात कर लो भाई, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ना बोल देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रिजेक्शंस को लाइटली लेना सीखो, और आप उसे लाइटली लेना तभी सीख पाओगे जब आप रिजेक्शंस को फेस करोगे। और वैसे भी अगर आप किसी नई लड़की से 10 या 20 या 30 सेकंड बात कर रहे हो और फिर वो लड़की आपको रिजेक्ट कर देना, तो आप इस चीज को समझो कि वो आपको एक बहुत छोटे से इंटरेक्शन पे जज कर रही है, वो आपको अभी तक पूरी तरह से नहीं जानती है। और अगर वो अनजान लड़की सिंपली आपको रिजेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में कोई लड़का आए, तो आप आगे बढ़ो, लेट हर बी, वो जैसी है उसको वैसी रहने दो। आपको किसको ढूंढना है, जो लड़की एक्चुअली एक लड़का ढूंढ रही है, और लड़कियां ऐसी होती है और आपको इस चीज का विश्वास नहीं है। और अगर आप अभी ऐसी स्टेज पे हो कि भाई नई लड़कियों से बात नहीं शुरू कर पाता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले ना लड़कों को एक कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। अरे भाई तेरे जूते तो बहुत बढ़िया है, भाई जरूर बोल देना, नहीं तो लौंडे डर जाएंगे। लड़कों के साथ ही अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करो, अरे भाई ये रास्ता कहां जाता है, अरे भाई ये सब्जी अच्छी है कि नहीं, अरे भाई ये सर कहां मिलेंगे, अरे भाई ये मैम कहां मिलेंगी, अरे भाई स्कूल कब खत्म होगा, अरे भाई ये सर कितना पकाते हैं। पहले अपना अनजान लड़कों से ही कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है ना, वो आप सीख लो, क्योंकि वो क्रिएटिविटी में हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बहुत मदद करेंगे। तो आप अपना डर निकाल सकते हो। आप देख लेना, आप में से 10 में से 8 लौंडे ऐसे होंगे जिनको बहनचोद लौंडों को ही अप्रोच करने में डर लगता है। तो मैं चाहता हूं वो अनजान लोगों से बात करने का डर ना आप लड़कों पे ही निकाल लो, उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्स दे दो भाई बोल के। एक लेवल और ऊपर जाना है तो किसी भी लड़की से ना दीदी बोल के बात शुरू करना सीख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हां दीदी बोल के ये मत बोलना दीदी बहुत सुंदर लग रही हो, बट आप दीदी बोल के किसी और बहाने बात शुरू कर सकते हो, और वो प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हो। इससे ना आपके अंदर की जो अप्रोच एंजाइटी है, जो डर है नए लोगों से बात करने का, वो धीरे धीरे निकलने लगेगा। देखो भाई मेरे इस वीडियो को देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला अगर आप मैदान में उतर के जंग नहीं लड़ोगे, आपको वो सिचुएशंस फेस करनी ही पड़ेंगी। और जैसे जैसे आप उन चीजों को फेस करते जाओगे ना, आपको उतनी अकल आने लगेगी, आपके ब्रेन को अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी कि अच्छा अगर इस लड़की का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है तो इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या नहीं, अगर ये लड़की मेरी बातों को इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है तो मुझे इसे क्या बोलना चाहिए, मुझे इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ये चीजें आपका ब्रेन अपने आप डेवलप करेगा एक्सपीरियंस से, और वो भी गलत एक्सपीरियंस से। सही एक्सपीरियंस में आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं सीखोगे, लेकिन जो गंदे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आपको भाई बहन चोर तगड़ा बना देंगे। और भाई नई लड़की से बात करने के लिए 3-4 बहुत ईजी तरीके होते हैं। सबसे पहला कि आप किसी काम से बात स्टार्ट कर लो, कि अरे मैडम इसका रास्ता कहां से है आप मुझे बता सकती हैं, अरे मैडम जिम में हो तो, अरे मैम ये मशीन कैसे चलती है, ये मशीन काम कर रही है कि नहीं, अच्छा मैडम ये क्लास कब शुरू होगी। भाई वो आप खुद सोच लेना क्या बोलना है सिचुएशन के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस से। दूसरा तरीका है कि आप अपने आस पास की ही किसी चीज से ना ऑब्जर्वेशन के थ्रू बात स्टार्ट कर सकते हो, अरे आज कितनी ठंड है, अरे आज कितनी गर्मी है, अरे बाप रे आज हर जगह इतना ट्रैफिक है, ओ माय गॉड। आपके इंस्टीट्यूट की लड़की है तो आप बोल सकते हो अरे ये मैम आज एब्सेंट है क्या। तीसरा तरीका होता है कि आप ना उस लड़की के बारे में जानबूझ के कुछ गलत गेस कर लो, अच्छा तुम इस स्कूल में पढ़ती थी क्या, तुम साइंस से हो ना, देखो इस तरीके में आपको कुछ भी ना सही चीज बोलनी है जो गलत हो जाए, ताकि वो लड़की आपको करेक्ट करे और फिर आप आगे कॉन्वर्सेशन अपने आप बिल्ड करो, अच्छा 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 मुझे लगा मैंने आपको शायद वहां पे कहीं देखा है। मैं तो सही बता रहा हूं भाई, कभी कभार तो मैंने लड़कियों को गलत नाम से भी अप्रोच कर लिया और मेरी बात बनी है। बस एक बार आपने किसी बहाने हल्की सी बात स्टार्ट कर दी,
फिर आप उस लड़की से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छा अगर आप यहाँ से नहीं है तो आप कहाँ से हैं? अच्छा वहां से है क्या? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? ऐसे करके भाई आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो, और कहीं पे अगर आप हल्का सा नोटिस कर लो ना कि लड़की भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है, ओ हाउ आर यू, अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, अच्छा आप कौन सी क्लास में है, तो भाई समझ लो तुम्हारी बात बन गई। वहां से इंस्टा आईडी तो कम से कम लेके जाना ही जाना। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना भाई, तो आप चुल्लू भर पानी लो, उसके अंदर डूब जाओ। बट फिर भी चलो डूबने से अच्छा मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। 500 रुपए या 1000 रुपए खर्च करो, अपना एक अच्छा सा फोटोशूट करा लो, साथ में अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो अपने अच्छे पिक्चर्स क्लिक करो ऑनलाइन डेटिंग साइट जैसे टिंडर हो गया, बंबल हो गया, हैपन, पता नहीं बहनचोद मुझे नाम भी कैसे याद है, आप इन सब पे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ, उनको वेरीफाई करो और उन सभी में 1 महीने का प्लान बाय कर लो प्रीमियम वाला। देखो भाई अगर गर्लफ्रेंड ही चाहिए तो कैसे भी चलेगी, तो ये एक एक्चुअली सही तरीका है, मतलब इलीगल तो है नहीं। हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां से भी आपको सीखने मिलेंगी, बट ये गलत तरीका नहीं है, ये भी बहुत काम करता है। बट अगर आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते ना, तो 200 या 300 रुपए का उनका प्रीमियम प्लान आता है, वो खरीद लो, मत शर्माओ। बट सबसे बेस्ट तो हमेशा यही रहेगा कि सामने से बात करनी सीख लो, क्योंकि ये चीज आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगी। और अपने दिमाग में एक चीज घुसा लो कि भाई मैं रिजेक्शन ले लूंगा, लेकिन मैं ना रिग्रेट नहीं लूंगा। मतलब कि भाई अगर मुझे लड़की ना बोल दे तो वो मुझे चलेगा, लेकिन अगर मुझे घर पहुंच के ये रिग्रेट होगा कि यार मेरे क्लास में पहली बार इतनी सुंदर लड़की आई थी और बैनचोट मैंने उससे बात नहीं स्टार्ट की, वो चीज जो है ना वो रिग्रेट कभी मत झेलो। अपने दिमाग को अगर तुमने ये चीज समझा दी ना कि सार्थक रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, जिम पे वो लड़की पहली बार उस टाइम पे आई थी फिर भी तुमने उससे बात नहीं की, इससे अच्छा बात करके रिजेक्ट हो लेते ना, तो मन में एक सेटिस्फैक्शन रह जाता कि हर वैंच भाई मैं सही बता रहा हूँ, रिजेक्शन से भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि कम से कम मैंने ट्राई किया। तो रिग्रेट फील होने से अच्छा भाई आप रिजेक्शन ले लो, वो ज्यादा काम का है, एटलीस्ट आपके जो स्किल्स है ना वो तो बटर होते जाएंगे। और लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा मेरे दोस्त कि आप लड़की से जाके भले ही कुछ भी बोलो, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही है तो हर लड़की आपको अप्रूव कर देगी। आप जितने काम रह सकते हो भाई, आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक मतलब होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं दिखती है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को दिखती है। ये ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि सामने वाला ना आपके शब्द 1 मिनट के लिए भूल जाए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें भेज सकते हो ना अपने बारे में कि ब्रो वो लड़की आपके लिए लिटरली क्रेजी हो जाए। तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, लड़कियों से आई कॉन्टैक्ट होल्ड करना सीखो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लड़की अगर आपसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रही है, बहुत ज्यादा क्रीपी आई कॉन्टैक्ट मत बनाओ, बट ऐसा आई कॉन्टैक्ट जरूर बनाने की प्रैक्टिस करो कि सबसे पहले अगर कोई नीचे देखे या साइड में देखे वो लड़की हो, और आप एक तक उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। इसमें ना सबमिशन और डोमिनेशन का एक खेल है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। बट अगर लड़की की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, तो कभी भी खुद पहले मत बनो जो अपनी आंखें कहीं और ले जाए, पहले लड़की को ही इधर उधर देखने दो। तो भाई लास्ट में मैं बस आपको यही बोलूंगा कि मुझे माफ करना अगर आप सोच रहे थे कि अगर आपको कोई डायलॉग चिपका दूंगा मैं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई अगर आपको डर लग रहा है ना, तो 2 मिनट कहीं जाके बैठो और YouTube पे डाल दो हाउ टू अप्रोच गर्ल्स, बॉयज अप्रोचिंग गर्ल्स प्रैंक, वो थोड़े वीडियो देखो, आपको ना थोड़ा वार्म अप फील होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील होगा। बट अगर आप यहाँ पे सिंपल सिंपल डायलॉग लेने आए थे तो सॉरी ब्रो, वो मैं चाहता हूँ आप खुद ही सीख लो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब बटन फोड़ देना, मुझे नहीं पता। आई लव यू ऑल, आई सी ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू कि मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही कमाल का आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय। से करवावा की के गाड़ी के टरक नीचे एक दाता बाबा की के मौत का सम्मान ले रहा घोड़ा दबवावा की के पाप करवा का 300 तो लगवावा की के।